नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ आपका जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने जीवन में अगर यूज करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर जाएंगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले के बाद तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हो और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें तो आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को आप ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक एक बातों को डिटेल में समझते हैं। नंबर एक, ज्ञान का होना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन किस चीज का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप में पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए, अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, आपको क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यही पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरे के चक्कर में आकर अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं, जैसे मेरे दोस्त ये करने जा रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये करने को बोला है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी अस्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। आप दूसरों के प्रेशर में आके इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इसे करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आप उन कामों में मजा आना बंद हो जाता है और आप काम करना बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। नंबर दो, योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम करने के लिए यदि आप योग्यता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है आपको इसकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उस चीज को आपको कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि दो मिनट में बन जाएगा। जहां पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं, आपकी जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करना है तो उतना ही ज्यादा समय आपको लगता है। आपकी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितना समय लगेगा।
जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल तक लगेगा, BEd करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BCom या BSc करना है तो 3 से 4 साल लगना है। लेकिन यदि आपको एक सिंगर बनना है, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ आपको कितना साल लगेगा। इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज़ को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को डेवलप कैसे करेंगे। तो ये 2 स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप 3री स्टेप का फॉलो नहीं करेंगे। तो नंबर 3, उस काम में आपकी इच्छा होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने की इच्छा नहीं होती है। आप मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बहुत बार फेल हो रहे थे, और वहीं पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो वो भी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें, जो है नंबर 1 ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है यह जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2 योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है यह जानना भी बहुत जरूरी है। नंबर 3 अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है कि जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपकी इच्छा का होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे पाई होंगी, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।